हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और ये है मेरे साथ में बजाज की NS200 2024 डिजिटल मीटर वाली और डिजिटल लाइट और LED लाइट वाली। बजाज ने अपनी NS200 में भी अपडेट कर दिया है। हालांकि बजाज ने अपनी पूरी NS सीरीज में ही अपडेट किया है। 125, 160 और 200 तीनों में ही आपको अपडेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट हैं इस वीडियो में जानेंगे और सारी डिटेल आपके यहाँ शेयर करेंगे और किस प्राइस पॉइंट पर बजाज ने इस बाइक को रखा है। अब पहले जो प्राइस मिलता था उसके कंपेरिजन में वो चीज़ें भी बताएंगे और साथ ही साथ हम ओल्ड वाली बजाज की 200 NS 200 के साथ भी इसका कंपेरिजन करेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा ताकि आप काम की जानकारी मिस ना कर पाए। जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि बजाज की जो NS सीरीज है वो इस सेगमेंट में अपना अलग ही टोरा बना के चलती है। मतलब कि इस सेगमेंट में आपको और भी बहुत सारी बाइक्स तो देखने के लिए मिलती ही हैं, बट स्टिल ये जो बाइक है ये अलग ही अपनी मार्केट वैल्यू बना के चलती है। तो ये तो सभी जानते हैं कि NS का नाम क्या है या फिर NS चीज़ क्या है। उस सारी चीज़ों से हटके इस बाइक में आपको क्या कुछ नया ऑफर होने वाला है बजाज। बाकी एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगेन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको देखने को मिलता है अब ये जो बॉडी स्ट्रक्चर और जो डिज़ाइन है वो वही सेम मिलेगा। फर्क जो आया है वो इसकी लाइट को लेकर आया है। अभी यहाँ पर ये फुल LED सेटअप मिलेगा और LED DRL मिलेंगे, जो कि मैं एक बार आपको जला के दिखाऊंगा और दिखाते हैं देखेंगे। तो यहाँ ये जो DRL है ये वर्क करता है, ये देखोगे आपको अब फुल LED DRL नज़र आएगा। बाकी हाई बीम लो बीम फुल LED सेटअप नज़र आ जाएगा। बाकी जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्क जो है वो यहाँ आगे देखोगे ना, ये जो पार्ट है ये पहले क्या था, पहले लाइक गोल बिल्कुल कर्व में आता था, बट अभी ये जो लाइक नोज से निकलता आता है जो कि इसके लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। एक और फर्क निकल के आता है जो कि इंडिकेटर्स को लेके हैं, पहले आपको इसके अंदर हैलोजन इंडिकेटर्स नज़र आते थे, बट अभी क्या है, अभी यहाँ पर आपको LED सेटअप के साथ इंडिकेटर्स नज़र आएंगे। बात करूँ मैं इसके टायर की और सस्पेंशन की, तो यहाँ आपको अगेन USD फोक सस्पेंशन ही मिलते हैं जो कि पहले भी आपको सेम वही मिलते थे। बात करिए टायर की, तो यहाँ आपको 100 सेक्शन का 100x80 का एक 17 इंच का अलॉय व्हील नज़र आएगा, जिसमें आपको देखोगे ABS भी और डिस्क नज़र आ जाता है। काफ़ी बड़े साइज का यहाँ डिस्क जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ किसी भी तरीके का बदलाव नहीं रखा है बजाज ने। बजाज ने जो आगे की तरफ बदलाव किया है वो इसकी लाइट को लेकर ही बदलाव किया है और किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। अभी चलते हैं इसके साइड में। तो साइड में अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूल टैंक की और इंजन की, तो फ्यूल टैंक जो है वो वही सेम रखा गया है। 12 लीटर का यहाँ आपको फ्यूल टैंक देखने मिलेगा, लगभग 2.5 लीटर का यहाँ रिजर्व ऑप्शन देखने मिलेगा। इंजन की बात करी जाए तो 200 cc सिंगल सिलेंडर 4-वोल्ट लिक्विड कूल्ड इंजन नज़र। इसकी पावर फिगर की बात करी जाए तो 24 BHP की पावर एंड 18 Nm का टॉर्क। पावर फिगर जो है वो सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ देखोगे आपको यहाँ नीचे इंजन काउल देखने मिल जाता है, लेकिन इंजन गार्ड जिसे भी कहते हैं वो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ आपको कंपनी फिटेड लेग गार्ड वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको जो फिनिशिंग है या फिर कह लें बिल्ड क्वालिटी वो बहुत अच्छी देखने को मिलती थी और अब भी आपको सेम फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। 6-speed गियर बॉक्स यहाँ नज़र आए। बात करिए रेयर सस्पेंशन की, तो यहाँ मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है और कंफर्ट जो है वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आता है। रेयर टायर की अगर मैं बात करूँ तो रेयर में आपको 130 सेक्शन का एक ट्यूबलेस टायर नज़र आएगा, 130/70 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ नज़र आएगा। ABS की मैं बात करूँ तो यहाँ अगेन आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, मतलब कि रेयर में भी आपको डिस्क विद ABS नज़र आ जाएगा। बाकी बात करिए इसकी टेल सेक्शन की, जो टेल सेक्शन निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है और जो सेम वही आपको एक मेंटेन क्लीन क्वालिटी में देखने को मिलता है टेल सेक्शन। और टेल सेक्शन में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया, बदलाव अगेन मैं फिर से कहूँगा इंडिकेटर्स में बदलाव किया गया है और टेल लाइट जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा भरा सा फील करा दिया है। पहले जो था पहले आपको इस टाइप से देखने को मिलता था। बाकी एक प्रॉपर कंपेरिजन वीडियो भी करेंगे जिसमें हम आपको इन दोनों का ही कंपेरिजन शेयर करेंगे। और टेल लाइट देखोगे, टेल लाइट अगेन LED देखने की मिलती है जो कि पहले भी आपको LED ही देखने मिलेगी। ग्रैब हैंडल की अगर मैं बात करूँ तो ग्रैब हैंडल यहाँ आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल नज़र आएगा जो कि सेम पहले भी मिलता था, यहाँ किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है। बात करिए सीट हाइट की, तो सीट हाइट 805 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि अगेन पहले जैसा ही रखा गया है, किसी भी तरीके का फर्क नहीं है। सीट हाइट जो है वो भी सेम रखी है। स्प्लिट सीट ऑप्शन रखा गया है जो कि पिलियन राइडर मेन राइडर दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है और ज़्यादा एग्रेसिव इसकी पिलियन को नहीं रखा गया है, काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर आपको अब पिलियन देखने मिल जाता है। बाकी मेन राइडर के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होगा। फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ देखोगे यहाँ ये पैडिंग नज़र आ जाती है। बाकी फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ आपको पल्सर की बैजिंग भी नज़र आएगी। इंजन जो है ये E20 के साथ देखने को मिलता है, मतलब कि BS6 Phase 2 जो कि भारतीय बाजार में धीरे धीरे अब जो BS6 के नॉर्म्स हैं वो अपडेट होकर BS6 Phase 2 में नज़र आने लगे हैं। अभी बात कर लेते हैं एक और मेजर चेंज की जो कि है इसके मीटर को लेकर। पहले आपको एक
सेमी डिजिटल मीटर यूनिट देखने के लिए मिलती थी, बट अभी क्या है, अभी आपको एक फुल डिजिटल मीटर यूनिट देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में कन्वर्टर नेविगेशन और यहाँ कुछ इन्फो ले, जैसे कि मैसेज अलर्ट हो गया, कॉल अलर्ट हो गया, या फिर नॉर्मल नोटिफिकेशन हो गए, वो सारे यहाँ आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से आपको शो हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मल फ्यूल के नॉर्मल मीटर के ऑप्शन की बात करूँ, तो यहाँ देखोगे आरपीएम मीटर, फ्यूल ऑप्शन, गियर, और यहाँ इकोनॉमी, और यहाँ देखोगे थोड़े बहुत ऑप्शंस और देखने मिलेंगे, यहाँ लो फ्यूल, और यहाँ मिलता है मोड्स के लिए बटन, जो कि इजीली इसके मोड्स को सेट करने के काम आता है। यहाँ देखोगे ट्रिप वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, और ट्रिप भी, और यहाँ और भी कुछ ऑप्शन देखने मिलेंगे, लाइक जैसे कि डिस्टेंस टू एम्पटी करके हो गए, या फिर एवरेज रेशियो हो गए, वो सारी चीज़ें भी यहाँ नज़र आएंगी। एक और अपडेट है, यहाँ आपको अब यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी यूज़र्स की शिकायत थी कि कंपनी अपनी जो और बाइक्स होती हैं उनमें देता है, छोटी छोटी बाइकों में भी देता है, पर इस बाइक के अंदर नहीं दे रहा है, तो कंपनी ने इस चीज़ का भी सुधार करके इसमें यूएसबी पोर्ट दे दिया गया, जो कि काफ़ी ठीक चीज़ हो जाती है। बात करिए हैंडल बार की, तो यहाँ आपको सेम वही क्लिप ऑन हैंडल बार देखने के लिए मिलता है, जो कि सेम वही सेम रखा गया है। बाकी कम्फर्ट जो है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है, और इस हैंडल को देखने में ऐसा फील नहीं आएगा कि आप बिल्कुल इस सेगमेंट की बाइक चला रहे हो, आपको काफ़ी अच्छा फील आएगा इस हैंडल को चलाते, मतलब कि इस गाड़ी को चलाते हुए, हैंडलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकलेगी। अगेन मैं बात करूँ इसके मिरर्स की, तो मिरर क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक निकल के आती है, मिरर क्वालिटी अगेन सेम ही रखी गई है हालांकि, बट हाँ ठीक क्वालिटी मिरर्स की निकल के आती है। हैंडल बार के ऊपर आपको नॉर्मल स्विचेज देखने में, लाइक यहाँ देखोगे एक मोड बटन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसके फीचर्स को काम में यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखोगे टर्न इंडिकेटर्स का स्विच मिलता है, नीचे हॉर्न मिल जाता है, सिंगल हॉर्न इसके अंदर देखने मिलेगा, दूसरी तरफ देखोगे आपको इंजन फ्यूल स्विच देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ एक स्विच देखने मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम, बाकी नीचे देखोगे यहाँ सेल्फ नजर आ जाता है। एक बार इसका साउंड सुना के दिखा देते हैं आपको, तो साउंड सुनाएंगे, साउंड जो है वो काफ़ी ठीक ठाक निकल के आता है। बाकी यहाँ एग्जॉस्ट जो है वो अंडर वैली एग्जॉस्ट ही नज़र आएगा, मतलब कि अंडर वैली एग्जॉस्ट अपनी NS सारी सीरीज में अंडर वैली एग्जॉस्ट ही आता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ देखोगे आपको जो मेन स्टैंड और साइड स्टैंड है, बजाज दोनों ही स्टैंड ऑफर करता है। अभी बात कर लेते हैं प्राइजिंग की, तो किस प्राइस पॉइंट पर बजाज ने इस गाड़ी को रखा है, तो अब जो प्राइस है ये इसका है 159,900 एक्सशोरूम, जो कि ऑन रोड आते आते कुछ पैसों का फर्क पड़ेगा, लाइक रोड टैक्स हो गया या फिर कह लें इंश्योरेंस हो गया, इन चीज़ों का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी का ओल्ड के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके साथ इसका प्राइस कंपैरिजन और फीचर्स कंपैरिजन क्या होने वाला है, उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। बाकी और कोई चीज़ मैंने अगर इस बाइक से रिलेटेड मिस की है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को तो यही एंड करेंगे, बाकी इसके राइवल्स जो हैं वो मार्केट में बहुत सारे देखने मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो निकल के आता है मेन वो है अपाचे, अपाचे 200 जो है वो इसका सबसे बड़ा राइवल माना जाता है, उसके साथ भी हम इस बाइक का कंपैरिजन करेंगे, तो उस वीडियो को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करवाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड हैव फन।